सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। आशीष और आकाश पार्टनर है और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रेशियो है 3:2। कैपिटल अकाउंट ले रखी है उन्होंने, क्रेडिट बैलेंस कितना है, ये 5 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, तो कब का बैलेंस दे रखा है ये 31 मार्च 2018, तो मतलब क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमारे को। आफ्टर डेबिटिंग क्या डेबिट कर चुके हैं इसमें से, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग कितनी की थी 1,50,000 और ये 1 लाख, किसने की थी, आशीष ने और आकाश ने रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट कहता है ईयर में कितना हुआ था 5 लाख, ठीक है, वो भी क्या कर चुके हो आप, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड कितना है ये 10%, पास जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग और प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर हम बात करें ये पूरा साल है, ठीक है, ये कब है 1 अप्रैल है और ये कब है 31 मार्च है, ठीक है 31 मार्च, और हमारे को दिया हुआ है आकाश आशीष एस और आकाश AK, ठीक है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 5 लाख और ये 6 लाख, ठीक है। कहता है इसमें से ड्रॉइंग माइनस हो चुकी है कितनी, 1,50,000 और 1 लाख, मतलब इसमें से अगर हम बात करें 1,50,000 की क्या हो चुकी है ड्रॉइंग माइनस हो चुकी है, और 1 लाख की क्या हो चुकी है ड्रॉइंग माइनस हो चुकी है, ठीक है। और कहता है इसके अंदर 5 लाख का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर 5 लाख की बात करें वो आपने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 3:2 में, तो 3:2 में तो डिवाइड करोगे इसको 5 से तो कितना देगा 1 लाख, तो 3 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पर क्या है एड है, कितना एड है, एड है इसके अंदर 3 लाख और इसके अंदर एड कितना है 2 लाख एड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपने क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 5 लाख के अंदर 3 लाख का तो प्रॉफिट है तो माइनस करो, तो एक्चुअल में आपकी कैपिटल कितनी रह जाएगी 2 लाख, और कहता है 150 आपने निकाल लिए हैं, तो 150 निकाल लिए हैं तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी, 5 लाख में से 3 लाख गए 2 लाख और ये 1.5 लाख ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 3,50,000, ठीक है। सेकंड की बात करें 6 लाख में 2 लाख का प्रॉफिट है तो 4 + 1 5 लाख, ठीक है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और इसके ऊपर कितना लगाना है 10% लगाना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,50,000 था ना, ये आ जाएगा आपका 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड में कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मांग रहा था आपसे, डिमांड कर रहा था, अब ये आप प्रोवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे आप, बाय नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ हमारे को 5 लाख का, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देनी है, ये आशीष को और आकाश को, ठीक है, कितनी देनी है 35,000 और ये 50,000, ठीक है, टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 85,000। यहाँ कौन है, एक तो है आशीष और एक कौन है आकाश, आशीष और आकाश, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे बाय बैलेंस BD, कितनी देर के हमारे को कैपिटल, कैपिटल ओपनिंग पता है हमारे को कितना है 350,000 और ये कितना है 5 लाख, ठीक है। अगर हम बात करें अब आपने क्या किया है, ड्रॉइंग की है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितने की है 1,50,000 और ये 1 लाख, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉफिट ऐड था तो प्रॉफिट तो बाद में करेंगे हम, अब कहता है ये क्या लिखोगे आप, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है ये 35,000 और ये कितना है 50,000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इन ड्रॉइंग की हमने ट्रीटमेंट कर ली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है नहीं क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना था हमारे पास 5 लाख और यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 लाख, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेश किसको, आशीष को और आकाश को, ठीक है, कितनी रेशो में ये आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो भाई 5 लाख में से अगर 85,000 माइनस करते हो तो कितना आएगा, ये आएगा 4,15,000, ठीक है।
और 4,15,000 को अगर आप किस रेशो में डिवाइड करते हो, 3:2 में, तो 5 से डिवाइड करोगे, 4,15,000, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास, ये आंसर आएगा 83,000 एक पार्ट के अंदर। एक को कितने देने हैं, 3 हिस्से, और एक को देने हैं 2 हिस्से, × 3, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 249,000। इसमें से माइनस करोगे ये आ जाएगा 1,66,000, ठीक है। अब ये क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो इनको, 2,49,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,66,000। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना आया है, 2,49,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,66,000, ठीक है। अब क्या करो, इसको टोटल करो, तो 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,66,000, तो ये कितना आएगा, 7,16,000, ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 7,16,000, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6,16,000, तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट की बात करें तो कितना था हमारे पास, 3,50 प्लस क्या करोगे, 35,000 प्लस क्या करोगे, 2,49, ठीक है, ऐड करते हो तो कितना आया मेरे पास, 6,34,000, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6,34,000, ठीक है, इसमें से माइनस कितना करना है, 1,50,000, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4,84,000। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। अगर जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री पास कर दोगे, क्या पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 85,000 से, टू क्या लिखोगे, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, एक के 35 था डाल दो और दूसरे अकाउंट में डाल दो 50, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो जाएगी एंट्री। अगर प्रॉफिट की डालनी है तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 4,15,000 से, टू क्या लिखो, आशीष टू, ये जो कौन है, आकाश, ठीक है, कितना, 2,49,000 और 1,66,000, तो ऐसे आपने ट्रीटमेंट करके चलना है, बन जाएगा आपसे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।